असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ सो जनाब पिछले कुछ महीनों के दरमियान बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से इंडिया से नेपाल से श्रीलंका वगैरह से माइग्रेट किया टूवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज़ और जब वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड नेम्स हैं ना कंट्रीज़ के उनमें कैनेडा है यूके है या फिर ऑस्ट्रेलिया है सो so, आज का ब्लॉग उन तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत यूज़फुल रहेगा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो कनाडा मूव करना चाहते हैं वो कनाडा जाना चाहते हैं अपनी पूरी पूरी फैमिलीज़ को लेके जाना चाहते हैं अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं अपना करियर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं आपने बस करना ये है कि इस ब्लॉग को पूरा देखना है ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है अपना फीडबैक ज़रूर देना है और उन तमाम लोगों के साथ इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कैनेडा मूव करना चाहते हैं जो किसी पैसे नहीं देना चाहते अपने बलबूते पे जाना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को ना इस व्लॉग से फायदा हो सके और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली फर्दर वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सो जनाब सेप्टेम्बर ट्वेंटी के अंदर कनाडा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है रेकिग्नाइज एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस आर पी प्रोग्राम लेकिन इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात है कि ये तमाम नेशनलिटीज़ के लिए ओपन है रिगार्डलेस आप कहाँ से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से इंडिया से नेपाल से श्रीलंका से बांग्लादेश से या फिर अब यूके से ऑस्ट्रेलिया से या यूएसए से भी हैं आप कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अच्छा यहां पे मैं एक बात क्लियर करती चलूँ एक पायलट प्रोग्राम पायलट प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम होते हैं पायलट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जहां पे आपको पता होता है कि इतने नंबर ऑफ पीपल हायर किए जाने हैं कंपनीज को इतने लोगों की जरूरत है जैसे सौ so, uh, so लोगों की जरूरत है तो सौ लोग जब हायर कर लेंगे वो तो उसके बाद वो प्रोग्राम रोक दिया जाएगा अगर वो सौ लोग नहीं हायर कर पाते तो प्रोग्राम एक्सटेंड हो जाता है फर्दर चलता रहता है अनटिल वो नीट अपनी मीट ना कर लें और जो ये प्रोग्राम है ये चलने वाला है तीन साल के लिए तीन साल का प्लान डिजाइन किया गया है उसके बाद यह डिसाइड करेंगे कि इन्हें फर्दर हायरिंग करनी चाहिए यह इस प्लान को स्टॉप कर देना चाहिए बट ये प्रोग्राम दो फेजिस में चलेगा पहला फेज स्टार्ट, स्टार्ट हो चुका है जो कि सेप्टेम्बर ट्वेंटी से स्टार्ट हुआ दूसरा फेज इसका स्टार्ट होगा जनवरी ट्वेंटी से बट ट्रस्ट मी कैनेडा ने आज तक जितने भी प्रोग्राम लॉन्च किए ना फॉरन वर्कर्स के लिए इन सब के अंदर यह प्रोग्राम गेम चेंजर है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये प्रोग्राम रेकेगनाइज एम्प्लॉयर प्रोग्राम है इसका मतलब यह है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं वो ट्रस्टेड एम्प्लॉयर्स हैं वो वो एम्प्लॉयर्स हैं जो गवर्नमेंट से रेकेग्नाइज है गवर्नमेंट ने उनको खुद टेस्ट किया हुआ है खुद उनकी छानबीन की हुई है आपको इस परेशानी में जाने की जरूरत नहीं है कि अगर हम कनाडा जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहां जाने के बाद हमें सिर्फ हायर किया जाए काम ना दिया जाए वर्क आवर्स पूरे ना करवाए जाए हमारे राइट्स को एक्सप्लाइट ना किया जाए एंड सिंस यार रेकेग्नाइज एम्प्लॉयर इसका मतलब यह है कि ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले पांच साल के दरमियान तीन फॉरन वर्कर्स को हायर किया है और कम अज कम तीन पॉजिटिव एल एम आई अप्रूव करवाए हैं Okay. अच्छा यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि एल क्या होता है तो उनके लिए मैं एक जनरल ओवरव्यू देती चलती हूँ कि एल होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट ये कनाडा में अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना है तो उसको यह अप्रूव करवाना पड़ता है कनाडा के गवर्नमेंट से इस आर प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एल अप्रूव की जा रही है थर्टी मंथ के लिए नॉर्मली कैनेडा के अंदर एल अप्रूव की जाती है टू ईयर्स के लिए मतलब एटीन मंथ्स के लिए उसके बाद दोबारा आपको रीन्यू करवानी पड़ती है जब तक एल आपकी रिन्यू नहीं होती आपका एम्प्लॉयर है और इंप्लॉय है दोनों ही खतरे में होते हैं क्योंकि अगर जस्ट सपोज एल एमआई रिजेक्ट हो जाती है तो आपका वर्क परमिट आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता आप उसे फर्दर एक्सटेंड नहीं करवा सकते सो so, अगर आप आरई पी प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह होने वाला है कि आपको वर्क परमिट एक्सटेंड कराने की ज्यादा टेंशन नहीं होनी क्योंकि ऑलरेडी आपके, आपके एम्प्लॉयर के पास थर्टी सिक्स मंथ का लिमिया मौजूद होगा जब आप कैनेडा जाएंगे तो आपको टू ईयर का वीजा मिलेगा सो so, जब आपका टू ईयर का वीजा एक्सपायर होने लगेगा तो आपके एम्प्लॉयर्स के पास ऑलरेडी मौजूद है लीमिया वो आपको फर्दर एक्सटेंशन दिलवा सकता है और टेक्निकली आप चार साल से ज्यादा कनाडा में काम कर सकते हैं लीगली उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कैनेडियन पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि भाई फेसिस जो मैंने पहले बात की थी कि ये दो फेज में प्रोग्राम लाया जा रहा है फेस वन सेप्टेम्बर में स्टार्ट हुआ है फेस टू जनवरी में है तो फेस वन है उसके अंदर ज़्यादातर जॉब जाद जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है सो अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड से हैं तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं आपके पास स्टिल चांस है आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशन लिस्ट मैंशन है आप इन सब में अप्लाई कर सकते हैं हो सकता है आप लाइफ स्टॉक लेबर हो हो सकता है हार्वेस्टिंग लेबर हो सकता है फूड पिकर हो हो सकता है आप स्पेशलाइज लाइफ स्टॉक वर्कर हो सकता है आपको फार्म मशीनरी अच्छे से ऑपरेट करना आती हो मतलब बेसिक लेवल मशीन

कौन सी फील्ड से, से, से आप मेडिकल से इंजीनियरिंग से आप डेंटिस्ट हैं कारपेंटर हैं वेल्डर हैं आप कोई भी फील्ड से है ना ऑलमोस्ट हर फील्ड उसके अंदर कवर है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देती हूँ चाहे आप इंजीनियरिंग मैनेजर हैं चाहे आप लैंड सर्वेयर हैं चाहे आप इसके अंदर फिजिशियन हैं चाहे आप इसके अंदर मेडिकल लेबॉरटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं डेंटिस्ट हैं आप आप, आप आ, हो सकते हैं शेफ़ हो, हो सकता है कुक हो, फूड सर्विस सुपरवाइजर हो, इंश्योरेंस इन, एजेंट हो आप आप कारपेंटर हो, वेल्डर हो, रिटेल सेल पर्सन हो, आप और डिफरेंट फील्ड में मतलब लिस्ट ऑफ मतलब ना ऑक्यूपेशन है इसके अंदर अंदर इवन ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स हैं आप मतलब अगर आप ट्रक चलाना चाहते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप तसली से चेक कर सकें आप देख सकें कि आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं या नहीं इस ऑक्यूपेशन में अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप अपने आप को रेडी करें ट्वेंटी के लिए जनवरी ट्वेंटी के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उस वक्त और इन जॉब्स अप्लाई करने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं, नहीं है किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है यू कैन डू इट योर आप प्लीज़ अपने पैसे बचाएं आई नो मार्केट में इस वक्त एल का रेट चल रहा है 25,000 से लेकर 40,000 डॉलर बट प्लीज़ डोंट गेट स्कैम्ड अपने आप को किसी एजेंट के चक्कर में मत फंसाइएगा उसने भी आपके लिए अप्लाई इसी वेबसाइट के थ्रू करना है तो खुद क्यों ना आप अप्लाई कर लें और अपने पैसे बचाएं एक तरीका तो यह है कि जॉब बैंक की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब बैंक डॉट जी सी डॉट सी ए यहाँ जाएँ इस वक्त हायरिंग हो रही है एग्रीकल्चर फील्ड से तो आप लिखें जी फार्म वर्कर और फिर आप लिख दें कनाडा ओवरऑल इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप इसकी एडवांस सेटिंग में जाएं एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है आपने क्लिक करना है लिमिया पर आपने क्लिक करना है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपने क्लिक करना है फुल टाइम जॉब के ऊपर और फिर आप इसको सर्च करें इन ऑप्शन को सिलेक्ट करने से ये होगा कि सिर्फ रेलिवेंट जॉब्स आपके सामने आएंगे और बाकी सब आप अवॉइड कर सकते हैं आसानी से अब आप देख सकते हैं हमने सर्च किया तो उसके साथ यहाँ पे ना रेलिवेंट जॉब्स आ गई जो फार्मिंग से रिलेटेड जॉब है आप किसी भी रैंडम जॉब को खोल के देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर मैंशन होगा कि लिमिया अप्रूव्ड है और इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा है दिस एम्प्लॉयर हैज एन अप्रूव्ड लिमिया टू हायर अ फॉरेन वर्कर टू फिल लेबर और स्किल शॉर्टेज ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस उसके अलावा लिखा है हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब तो यहाँ पे लिखा है कैनेडियन सिटीजन परमिनंट और टेम्पररी रेजिडेंट्स ऑफ कैनेडा एंड अदर कैंडिडेट विद और विदाउट द वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट अब क्वेश्चन ये है कि अप्लाई कैसे करना है अप्लाई करने के लिए अपनी सी बी विद कवर लेटर आपने इस ई मेल एड्रेस पर सेंड करना है दैट ऑल आप देख सकते हैं जॉब एक्सपायर हो रही है अट्ठाईस अक्टूबर सन 2023 को इससे पहले पहले अप्लाई करना अगर आपने अप्लाई करना चाहते हैं बट इस पोर्टल पे इसके अलावा भी फार्मिंग से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत से जॉब्स अवेलेबल है आपने बस सर्च करना अच्छे से अब अगर हम बात करते हैं कि भाई हम इस जॉब के लिए क्वालीफाई करते हैं या नहीं क्वालिफाई करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्वालिफिकेशन की नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कुछ भी नहीं चाहिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो ओनली रिक्वायरमेंट है ना यहाँ पे वो ये है कि आपको इंग्लिश ज़बान बोलना आती हो इतनी ज़रूर आती हो कि आप डेली कम्युनिकेशन कर सकें अगर आपको इंग्लिश ज़बान भी नहीं आती तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते ऑल दो रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन इंग्लिश ज़बान बोलना आनी चाहिए आपको लेकिन बाकी जॉब्स जो अभी 2024 में ऑफर होंगी मतलब जिसका भी लिस्ट अभी अनाउंस किया उन्होंने कि भाई इस इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया गया लेकिन कॉमन सेंस से अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करें या मेडिकल की फील्ड से मेडिकल uh, की फील्ड में अप्लाई करें तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास रेलिमेंट एक्सपीरियंस प्लस आपको क्वालिफिकेशन uh, होनी चाहिए लेकिन जस्ट सपोज अगर आप कारपेंटर के लिए अप्लाई करें या आप रिटेल uh, की कोई जॉब के लिए अप्लाई करें या फिर आप अप्लाई करें जस्ट सपोज वेल्डिंग के लिए तो आपके पास सर्टिफिकेशन होना जरूरी एज सच हाई क्वालिफिकेशन फिर भी नहीं आप सब अप्लाई कर सकें अगर आप उसके लिए एलिजिबल हों। सो so, अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड में स्पेसिफिकली अपने नो डिग्री नो सर्टिफिकेशन नो डिप्लोमा देट्स इट कुछ भी नहीं चाहिए आपको आपको सिर्फ अपलाई करना है और इसी नोट पे आज की वीडियो एंड करते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना अपना फीडबैक जरूर देना आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट सकता है मेरे लिए इनाला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे मुझे दुआ में याद रखिएगा टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज़